नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। जब एक किराए के लिए आप किसी घर में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे किराए पर एक घर लेना है, तो आपको रेंट बताया जाता है कि 6000 रेंट का और प्लस बिजली बिल जो पर यूनिट होता है, जो बोर्ड के तरफ से जो तय होता है, उससे 1 या 2 रुपये आपसे ज़्यादा लिया जाता है। लगातार ये शिकायतें जो हैं वो बिहार विद्युत विनियामक आयोग को मिल रही थी कि किराएदारों से बिजली बिल ज़्यादा वसूला जा रहा है। अब बिहार विद्युत जो विनियामक आयोग है, उसने सीधे इस पर एक एक्शन लिया है और कहा है कि कोई भी मकान मालिक किराएदारों को बिजली नहीं बेच सकता, क्योंकि बिजली बेचने का अधिकार उन्हें नहीं है। बिजली बेचने के लिए उन्हें एक लाइसेंस लेना होता है, जो कि वो किसी भी मकान मालिक नहीं लेते हैं। अब जो बिहार विद्युत विनियामक आयोग है, उसने सीधे सख्त एक्शन लेने की बात कही है उन मकान मालिकों के खिलाफ जो बिजली बेचते हैं, यानी कि सब मीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि बिजली का जो नाम पर किसी के लिया जाता है, जो कंज्यूमर बनते हैं वो मकान मालिक होते हैं, और किराएदारों के घरों में जो बिजली का मीटर लगाया जाता है उसे सब मीटर कहा जाता है, जो कि मकान मालिक के नाम पर ही होता है। अब बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने कहा है कि अगर आप किराए पर घर ले रहे हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए, और उस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर आप खुद अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि मकान मालिक आपसे ज़्यादा बिजली बिल नहीं वसूल सकता। अब किराएदारों को भी थोड़ी बहुत राहत इससे मिलेगी कि वे जो हैं मकान मालिक से 1 या 2 रुपये जो ज़्यादा बिजली बिल दे रहे थे उससे वो बच सकते हैं, और इसके लिए बकायदा उन्हें एक रेंट एग्रीमेंट बनाना होगा, और उसके बाद बिजली बोर्ड से उन्हें अपने नाम का एक बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जो है ये शिकायत मिल रही थी पटना और बिहार में खासकर, कि जो 7 रुपये या 6 रुपये बिजली यूनिट का दर है उससे कहीं ज़्यादा 1 या 2 रुपये ज़्यादा किराएदारों से बिजली ली जा रही थी। अब इस तरह के एक्शन से क्या होगा कि जो किराएदार हैं उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये आप बड़ी खबर है आम जन के लिए जो रेंट पर घर लेते हैं और पटना या किसी अन्य शहरों में जाकर रहते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।